मैट्रिक से मास्टर्स लेवल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड है मैं आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आप वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करते हुए इन जॉब्स को अपने पास मतलब इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को अपने पास सेव कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जो भी नई जॉब्स आएंगी हुकूमत की जानब से जिनका नाम जिनकी अनाउंसमेंट की जाएगी मैं अपलोड करूँगी तो इसलिए इस वेबसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ठीक तो है, मतलब जो है तो ये बड़े पैमाने पर अब ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और इनमें से मतलब ये जो जॉब्स हैं इन पर कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं तो ये फुल डिस्क्रिप्शन में आपको शो कर देती हूँ बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आप एफ़ आई ए के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं नाउ मूव फॉरवर्ड सो हेयर इट इज़ माई ऑफिशियल वेबसाइट तो सी एस एस पी एम एस ऑफिसर्स एकेडमी भी आप सर्च करें विद मिस सरीम तो आपको ये आ जाएगा ये एफ़ आई ए जॉब्स हैं ठीक है लोकेशन पाकिस्तान है और ये चार तारीख को इनकी अनाउंसमेंट करती गई थी और न्यूज़ पेपर किस न्यूज़ पेपर में इसका इश्तहार आया है नवाब वक्त में आया है ऑर्गनाइजेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एफ़ आई ए की ये जॉब्स हैं एजुकेशन मा मेट्रिक से लेकर मास्टर्स लेवल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ये फुल टाइम जॉब्स हैं बीस हज़ार से अस्सी हज़ार तक इसमें सैलरी रखी गई है ठीक है और लास्ट डेट है चौबीस तारीख दूसरा महीना दो हज़ार तेईस ठीक है तो अब आखिरी डेट भी अनाउंस कर दी गई है पहले ये कहा गया था कि इनको इनके अनाउंसमेंट की जाए कि लेकिन अब ये जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं और लास्ट डेट भी आपको दे, दे दी गई है चौबीस तारीख दूसरा महीना दो हज़ार तेईस अब ये जो जॉब्स हैं इनकी यहाँ पर लिस्ट मेंशन की गई है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं ठीक है ये है एडिशनल डायरेक्टर जनरल की असिस्टेंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर हेड कांस्टेबल ड्राइवर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब्स हैं। हेड कांस्टेबल, यूडीसी, एलडीसी, सब इंस्पेक्टर एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई एंड प्राइवेट सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर स्टीनोटापस्ट असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल ड्राइवर और नाइप का सिट स्वीपर और चौकीदार एफ आई ए अब ये जो जॉब्स हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो आपके पास पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है टोमिसाइल होना ज़रूरी है आपकी जो भी डिग्री है उसमें सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि आपने कोई क्राइम कमिट किया हो ठीक है फिर ये नीचे मैंने इसमें आ, ये एक एडवरटाइजमेंट जो कि एफ आई ए की जानिब से पेश किया गया है वो भी अपलोड कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये यह स्केल्स मेंशन किए गए हैं कौन कौन से स्केल्स की जॉब्स हैं और ये जॉब्स की कैटेगरी मेंशन कर दी गई है ये वही जॉब्स हैं जो कि मैंने अभी आपको रीड करके बताई हैं कि किस किस लेवल की जॉब्स अनाउंस की गई हैं ठीक है थीके? तो ये यह यहाँ पर ऑफिशियल जो मतलब सेक्शन ऑफिसर की एस पी यहाँ पर जो है इनकी सिग्नेचर भी मौजूद हैं ठीक है थीके? और ये बिल्कुल एक अथेंटिक न्यूज़ है जो कि मैं आप तक मैं हमेशा आपको अथेंटिक न्यूज़ देती हूँ तो ये जॉब्स हैं इन ज़रूर अप्लाई करें और आ, क्योंकि आपकी किस्मत का पता नहीं होता आपका जो एक मतलब आपकी किस्मत कब खुल जाए चाहे वो एजुकेटर्स में सेलेक्ट हो पीपीएससी का चाहे लिटरे लिटरे मोबिलाइजर का पेपर है आपका ठीक है लिटरेसी मोबिलाइजर के पेपर में सेलेक्ट हों या फिर आप एफआईए के पेपर में सेलेक्ट हो जाएं तो ये आपकी अपनी किस्मत भी होती है ठीक है तो अप्लाई सब में किया करें प्रिपरेशन सब की किया करें और सब की एग्जाम्स दें तो बाकी आपकी अपनी लक है कि आप किस में सेलेक्ट होते हैं ठीक है और दाओ में याद रखिएगा इंशाल्लाह मेरी दुआएँ आपके साथ हैं बाकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन इसके सलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं दावाओं में याद रखिएगा हाफिज़